हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो होगा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का। तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक या फिर नाइट तक क्या रूटीन रहता है हाउसवाइफ्स का, तो वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कई लोगों को कहते सुना होगा कि हाउसवाइफ्स के पास काम ही क्या रहता है, घर में लेडीज के पास कुछ काम, बस केवल घर का काम किया, दो रोटियां सेक ली, हो गया काम। ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम होता है हाउसवाइफ्स के लिए। तो वही वीडियो आज मैं आपके साथ दिन भर के काम का रूटीन शेयर करूंगी, पूरा, यानी कि मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन पूरा शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में लास्ट तक। तो जैसा कि मैं अभी अभी नहाकर आई थी और आज मैंने किया था शैम्पू, तो मेरे बाल अभी थोड़े से हल्के हल्के से गीले हैं, तो अभी मैंने उनको चोटी नहीं बनाई हुई है, तो अभी मेरे बाल थोड़े से गीले हैं। तो अभी मैं जाकर नीचे सबके लिए नाश्ता तैयार करूंगी, और हो सकता है आज का ये प्लान था कि शायद बाहर से पापड़ी मंगाई जाए, तो हो सकता है अगर पापड़ी आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो मैं कुछ बना करके दे दूंगी सबको नाश्ता। उसके बाद 9 बजे से मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस में भी मैं ही उसका साथ देती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटा है, सेकंड क्लास में है, तो अभी अपनी क्लासेस खुद यानी कि अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसका भी साथ देना पड़ता है। और तो इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ बेटे की ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद में, और उसके बाद मैं आपसे आपको बताऊंगी कि उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ। Name of block 4 is beautiful birds. Name of block 5 is animals are important. Name of block 6 is types of plants. और अब मुझे ये बताइए ब्लॉक 4 में कौन से टॉपिक्स हैं, किसके बारे में डिस्कस किया गया है? सिक्स में किस टॉपिक पे डिस्कस किया था? ब्लॉक 6 में डिस्कस किया था हम लोगों ने क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, हर्ब्स एंड श्रब्स, ट्रीज एंड ग्रासेस। देखिए, दाल
ये हमारी बनकर के तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है। ये हमारी दाल है अरहर की, और ये है देखिए चावल, ये भी मैंने बना कर रख लिए हैं और आटा को गूंथ कर रख लिया है। आटा भी हमारा गूंथ गया है, चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं और दाल भी बन गई है। और ये मैंने काट कर रखे हुए हैं टिंडे, इसकी मैं भी सब्जी बनाऊंगी टिंडे की। और ये अब मैं लगा रही हूँ दाल में बहुत ही टेस्टी वाला तड़का। इस तड़के से दाल बहुत ही टेस्टी हो जाती है, देखिए बहुत ही टेस्टी तड़का ये लगता है। इसमें मैं थोड़ी सी डालती हूँ राई, यानी कि राई से जब ये जो अरहर की दाल में लगता है तड़का, तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है ये दाल। तो इसमें मैं राई, हींग, जीरा, मिर्च ये सब चीज़ें डाल करके दाल में बहुत ही टेस्टी वाला तड़का लगाती हूँ। और ऐसी दाल हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो ये अब मैं लगा दे रही हूँ दाल में तड़का। तो हमारा खाना बन करके बस अभी थोड़ी ही देर में होने वाला है रेडी, और आटा हमारा गूंथ चुका है। अभी थोड़ी ही देर में मैं सेकूंगी रोटियाँ। Thank you.
सारे काम से फ्री हो करके। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैंने सारा काम खुद ही किया है, कि वैसे तो मेरी देवरानी भी साथ में सारा काम करते हैं, हम दोनों लोग मिलकर के, और मतलब क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मोस्टली काम वही संभाल लेती हैं, सुबह का भी और शाम का भी जब वो यहाँ होती हैं। वो एक्चुअली यहाँ रहती नहीं हैं, वो रहती हैं जयपुर में, मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो जयपुर में रहती हैं। इस समय वो यहाँ आई हुई हैं और अभी थोड़े दिन के लिए और रुकी हुई हैं, तो वो सारा काम संभालती हैं। तो लेकिन आज सुबह से उनकी बिटिया को लूज मोशन होने लगे थे, तो इसी वजह से वो काम नहीं बिल्कुल नहीं कर पाई, उसी में लगी रही, क्योंकि बार बार उसको लूज मोशन हो रहे थे। तो मैं सारा काम मैंने संभाली और काम जल्दी भी हो गया। क्यों जल्दी हो गया, तो इसका भी रीज़न ये है कि इसकी जो ऑनलाइन क्लासेस, मेरे बेटे की अर्जुन की ऑनलाइन क्लासेस जो होती थी, इसमें अभी तक क्या होता था, रिवीजन शीट आती थी तो उसको पहले नोट करना पड़ता था कॉपी में और आंसर मैं इससे करवाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिस्टम थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया हुआ है, लिंक भेजती हैं वो, एक उनकी मैम जो है वो लिंक सेंड करती हैं, तो उस लिंक को ओपन करके उसमें क्वेश्चंस आते जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, मेरे लिए भी टाइम थोड़ा सा ये हो गया कि जल्दी से इनकी क्लास भी ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, लिंक आता है और लिंक को ओपन करके इनके क्वेश्चन एक एक करके आते जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया और उसमें ऑप्शन आए, तो उसमें सही ऑप्शन पे मोबाइल से ही टिक कर दो, तो फिर वही, और फिर जितने क्वेश्चंस होते हैं फटाफट करके उसको सबमिट करवा देती हूँ, तो जल्दी से इनका भी काम हो जाता। तो आज वही, ये तो अपने आप कर लेता ये काम, ये मोबाइल वाला अपने आप कर लेता। रिवीजन शीट जब आती थी तो उसको पहले मुझे नोट करना पड़ता था, क्योंकि इनकी मैम ने बोला था कि जैसे आंसर आप कर लो, रिवीजन शीट जो आ रही थी उसके केवल आंसर्स कर लो। लेकिन मैंने इससे बोला कि क्वेश्चन भी यानी कि इसलिए करो कि जब रिवीजन होगा, जब आपके एफए होंगे, तब मैं जो रिवीजन करवाऊंगी उससे हम लोग को आराम रहेगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो इसलिए इससे मैंने बोला कि क्वेश्चन चलो मैं नोट कर देती हूँ। इसकी मैम ने भी बोला था कि अगर आप लोग का मन ना हो तो आप लोग मम्मा से नोट करवा सकते हो, तो मैं इसके क्वेश्चन नोट कर देती थी। तो वही मैंने तो अभी तक तो ये था, तो मुझे बहुत टाइम इसे देना पड़ता था। लेकिन अब इसका जो लिंक आने लगा है, तो लिंक से क्या होता है, लिंक ओपन करके और फटाफट से ये अपना आंसर देते चले जाते हैं और सबमिट कर देते हैं अपनी मैम को, तो इनकी शीट हो जाती है। तो ऐसे ही इनकी आज ईवीएस की आई शीट, जीके की आई और मैथ्स की आई थी, तीन सब्जेक्ट इनके चलते हैं। तो क्या हुआ, और साथ ही साथ इनकी मैम की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही आज आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ। तो क्या होता है, जैसे ऑडियो से मैम इनकी अभी तक क्वेश्चन पूछती थी, तो ऑडियो से क्या होता है, मैम को ये लगता होगा शायद कि बच्चे हो सकता है देख के आंसर दे रहे हों। तो अभी दो तीन दिन से इनकी मैम की वीडियो कॉल आने लगी है, तो वीडियो कॉल देख के ये थोड़ा सा एकदम से मतलब फ़ोन मेरे पास ला करके, मम्मा देखो मैम का फ़ोन आ रहा है, मैम की वीडियो कॉल आ रही है, आप देखो। तो मैंने बोला बेटा ये जो है मतलब मैम को आपसे बात करनी होगी, मुझसे बात नहीं करनी होगी, तो फिर भी ये नहीं उठाते। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, तो इनकी मैम ने बोला अर्जुन कहाँ है, अर्जुन से बात कराइए। तो फिर मैंने बोला देखो है, मैंने कहा था ना मैम को आपसे बात करनी है, तो चलो मैम से बात करो। तो मैम ने फिर बोला कि जीके के दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप उसका आंसर दीजिएगा। तो वही इन्होंने फिर दो आंसर फटाफट से दे दिए, क्योंकि इनको सारे क्वेश्चन लर्न मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, जीके सारे सब्जेक्ट मैं इनको लर्न करा चुकी हूँ, तो इनको अच्छे से सारा कुछ लर्न है। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर थोड़ा सा मतलब शाम के टाइम या किसी भी टाइम थोड़ा सा बैठकर मैं इनसे बोलती हूँ कि रोज़ का रोज़ रिवीजन इसलिए कर लो, क्योंकि एक दिन भी अगर तुमने गैप किया तो वो थोड़ा सा भूल जाओगे, तो इसलिए मैं इनको रिवीजन करवाती रहती हूँ। तो वही बस अभी मैं ऊपर आई हूँ, अभी बज गया है 12:30 ही शायद बजा है, और 1 बजे मेरे पापा और ये क्लिनिक से आ जाएंगे, ये अपनी क्लिनिक बंद करके और पापा जी अपनी क्लिनिक बंद करके आ जाएंगे। तो फिर बस हम लोग बैठकर खाना खाएंगे, 1 बजे हम लोग का खाने का टाइम होता है, तो 1 बजे हम लोग खाना खाएंगे। साथ ही में बैठकर हम सब लोग खाना खाते हैं, खाना सेक कर रख लिया जाता है, हमारे यहाँ ये है कि खाना सेक कर रख लो, सब लोग साथ में ही बैठ कर खाओ। लेकिन हमारी देवरानी जब आ जाती हैं तो वो कहती हैं मैं तो गर्म ही खिलाऊंगी सबको, जैसे मैं सेक रही हूँ दीदी आप खिला दो, तो फिर वही वो सेकती हैं फटाफट से और मैं सबको खिला देती हूँ। तो फिर बस ऐसे ही हम लोग का रूटीन चलता रहता है, हम लोग 1 बजे खाना खाते हैं और फिर थोड़ा सा सब लोग फ्री होकर के बैठते हैं, जो मतलब अपना जो है लेटना चाहता है वो लेट लेता है थोड़ी बहुत देर। शाम को फिर ये लोग 5 बजे फिर से अपनी क्लिनिक जाते हैं, पापा जी और ये भी,
दोनों लोग। ये देखिए शैतान चंद आ गए हैं मेरे पास, ये देखिए बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा शैतान हैं। इनकी ऑनलाइन क्लासेस अब बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं, तो ये भी फ्री हो जाते हैं लिंक से। इनको इतना अच्छा लगता है कि बोलते हैं मम्मा मैं आज इनकी मैम का मैसेज, मतलब 9 बजे से इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जैसे 9 बजे के बाद आज 9:30 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया मैम का। तो इन्होंने बोला, इन्होंने मैम से ऑडियो से पूछा कि मैम क्या आज क्लास नहीं होगी। क्यों पूछा पता है आपको? इसलिए पूछा क्योंकि लिंक से इनको बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है ये सब करने में कि लिंक ओपन करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उसका मोबाइल से ही आंसर देंगे, हमको राइट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इधर आओ दिखाओ कि क्या खाने जा रहे हो। ये देखिए क्रैक्स खाने लगे, क्रैक्स के देखिए 3 पैकेट्स हैं और 1 पैकेट बस ये लेने लगे हैं। तो बस इनका यही सारा दिन चलता रहता है। अब मैं 1 बजे खाना वाना खा करके फिर आपसे मिलती हूँ।